नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना यहाँ से सीख लिया था। एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। आपके सामने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है और अगर ये स्क्रीन आपके सामने दिख रही है और यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, साथ ही ये प्ले बटन यहाँ पे अगर आ रहा है तो इट मीन्स आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको रन करना होगा क्योंकि ये एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड की कोई अगर एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन को किसी डिवाइस में रन करना होगा। सो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को किस डिवाइस में रन करेंगे, या तो आपके पास एक्चुअल डिवाइस होनी चाहिए, एक एक्चुअल एंड्रॉयड फोन होना चाहिए जिस फोन में आप इसे रन करें, या आपके पास कोई वर्चुअल डिवाइस है जैसे ब्लू स्टैक है, या एंड्रॉयड का खुद का एक वर्चुअल डिवाइस आता है जिसको हम इमुलेटर बोलते हैं, उस इमुलेटर के थ्रू भी इसे आप रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इमुलेटर को बताने से पहले और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को एक रियल डिवाइस पे चलाने से पहले मैं आपको और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसके बेसिक कंसेप्ट कुछ ये हैं कि अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो और एंड्रॉयड में कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं तो एंड्रॉयड से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज होती हैं जिन टर्मोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो टर्मोलॉजीज कुछ ऐसी हैं। देखिए, एंड्रॉयड स्टूडियो तो एक टर्मोलॉजी है ही अपने आप में, कि ये एक ऐसी टर्मोलॉजी है जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एंड्रॉयड का लाइब्रेरी है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका कंपाइलर है, और एंड्रॉयड से रिलेटेड जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए सब इसी सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो इटसेल्फ एक IDE है। IDE का मतलब एक डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो आपके इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटर रखता है, लाइब्रेरी रखता है, कंपाइलर लगता है, बहुत सारी चीजें। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इस स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी होती हैं, जैसे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एंड्रॉयड स्टूडियो जब नहीं आया था तो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन डेवलपमेंट अलग से किसी एडिटर पे लिख के करा जाता था। मतलब आप अलग से कहीं से एडिटर लाते थे, जैसे नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, उस पर प्रोग्राम बनाते थे और फिर अलग से आपको लाइब्रेरी फंक्शन लाना पड़ता था। एंड्रॉयड की लाइब्रेरी फंक्शंस एक सॉफ्टवेयर के अंदर है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जैसे जावा के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग किए हो कभी तो आपको पता होना चाहिए कि जावा के अंदर एक JDK होता है जिसमें जावा की सारी लाइब्रेरीज, उसका कंपाइलर, उसकी रन टाइम एनवायरमेंट, सारी चीजें होती हैं। ऐसे एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड की सारी लाइब्रेरी फंक्शंस और सारा चीजें उसके एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर होता है जिसका नाम होता है SDK। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि SDK जो होता है ये बेसिकली जावा की जो लाइब्रेरी फंक्शन है, मतलब एंड्रॉयड की उन लाइब्रेरी फंक्शन को कंटेन करके रखता है जो एंड्रॉयड की कोर लाइब्रेरीज हैं, और एंड्रॉयड की जितनी कोर लाइब्रेरीज हैं, कोर लाइब्रेरीज का मतलब होता है ऐसी लाइब्रेरीज जो कि एंड्रॉयड के साथ उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ दिया गया। बट एंड्रॉयड में हमारी बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे सपोज करिए आपको वेब सर्विसेज कॉल कराना है तो वेब सर्विसेज कॉल कराने के लिए हमारे पास रेस्टो फिट वोली जैसे कंसेप्ट आते हैं। फेसबुक की हमें सपोज करो लॉगिन करानी है तो उसके लिए फेसबुक की APIs आती हैं, तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। बट एंड्रॉयड की खुद की लाइब्रेरी SDK के अंदर होती है। SDK के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं वो जावा की हैं, और अभी गूगल IO ने जो कोटलिन एक लैंग्वेज लॉन्च किया, अपना प्राइमरी लैंग्वेज उन्हें लॉन्च किया है, उसकी भी लाइब्रेरी उसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट SDK प्लस जावा और कोटलिन के साथ करना है तो नो डाउट आपको SDK सॉफ्टवेयर लाना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोल सकते हो JDK के अंदर जैसे जावा का कंपाइलर होता है, JVM होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, सोर्स कोड होता है, ऐसे एंड्रॉयड के SDK में उसका सोर्स कोड, उसकी लाइब्रेरीज और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग कंपाइलर है, एंड्रॉयड का रन टाइम है, सारी चीजें आपके इस सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ आ जाता है। जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पहले वीडियो में इंस्टॉल किया था उस टाइम पे ये हमसे पूछता है कि क्या आप SDK इंस्टॉल करना चाहते हैं,
या अगर आपके पास एसडीके पहले से है उसे ब्राउज करके इसके अंदर ला सकते हैं। तो अगर आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में एसडीके ही नहीं है तो इट मींस ये वर्क ही नहीं कर पाएगा। अगर आपके सिस्टम में कभी एरर आ रहा है एसडीके नॉट फाउंड, इट मींस आपके सिस्टम में एसडीके प्रॉपरली कॉन्फिगर्ड नहीं है। इस चीज को देखने के लिए आप विंडोज के अंदर जा सकते हैं, सॉरी टूल्स के अंदर आप जाइए, टूल्स के अंदर एंड्रॉइड के अंदर यहां पे देखिए एसडीके मैनेजर करके ऑप्शन आता है। एसडीके मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप एसडीके को मैनेज कर सकते हैं। एसडीके का जो लोकेशन है वो खुद बदल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई एसडीके पड़ा हुआ है वो लाइए इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए सी के अंदर यूजर्स के अंदर विजयंत वर्मा के अंदर ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर एंड्रॉयड उसके अंदर एसडीके फोल्डर आपका है। अब अगर ये लोकेशन आप खोजोगे तो यहां पे ये हिडन होता है, ये आपको दिखता नहीं है क्योंकि सी के अंदर यूजर्स के अंदर ये जो ऐप डेटा वाला फोल्डर होता है ये हिडन है, ये आपको जनरली वो दिखाते नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको फोल्डर ऑप्शन में जाके वहां पे इसे इनेबल करना होगा, व्यू करना होगा, तो फिर ये दिखेगा। अच्छा साथ ही साथ अगर आप देखिए तो ये जो एसडीके है इसमें कई वर्जन है, इसके कई सारी एपीआई लेवल है। आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको एपीआई लेवल का आइडिया होना चाहिए कि आप किस एपीआई पे काम कर रहे हो। जैसे अभी लेटेस्ट एपीआई 27 है और यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, इट मींस इसकी सारी एपीआई सक्सेसफुली आपके एसडीके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। कई ऐसे लोग होते हैं जो एंड्रॉइड की सारी एपीआई को इंस्टॉल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने एंड्रॉइड की सारी एपीआई इंस्टॉल कर लिया तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया जैसे अगर आपको प्यास लग रही है और आपने कुआं खुदाने वाली बात हो गई ना, कि आप कभी प्यास लग रही है तो कुआं निकालें, नल, अगर आप प्यास लग रही है तो नल बनाने चले गए या नल गड़ाने चले गए, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको जावा की प्रोग्रामिंग करनी है तो 1.1 से लेके 1.8 तक सारे इंस्टॉल करने लगे, नहीं आपको एक वर्जन इंस्टॉल करना, सारे वर्जन इंस्टॉल नहीं करने। तो मैं अपने टाइम पे एज अ बिगिनर्स मैंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस किए हैं, मैं चाहता हूँ वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। जैसे मैंने क्या किया, अपने टाइम पे सारे वर्जन को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया क्योंकि कई बार एरर आता है। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं इंस्टॉल्ड भी लिखा था, कहीं पार्सली इंस्टॉल्ड लिखा था। जो चीज पार्सली लिखा इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके इस पे क्लिक करके या इसके प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर जाके अपडेट्स में जाके कहीं से भी जाके इसे प्रॉपरली आप फुल्ली कंप्लीट इंस्टॉल कर लिए। तो एक वर्जन अगर हमारे पास इंस्टॉल्ड है तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है। इस एसडीके को आप कहीं से भी किसी के सिस्टम से, जैसे मान लीजिए मेरे सिस्टम में ये एसडीके इंस्टॉल्ड है, इस लोकेशन पे है, यही एसडीके अगर मैं कॉपी करके किसी को भी दे दूं तो उसे अलग से एंड्रॉइड स्टूडियो में उतना टाइम नहीं लगेगा जब ये इंस्टॉलेशन टाइम में 10 GB 8 GB नेट लेता है। तो हर बंदे को कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे बार बार इस एसडीके को इंस्टॉल करना है। एक एसडीके अगर किसी के सिस्टम में ऑलरेडी है तो वो कॉपी करके किसी को शेयर कर सकता है, एक फायदा, एक एडवांटेज है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई एसडीके है तो यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए, जो काम कर लीजिए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रहा है, देखिए कह रहा है एसडीके लोकेशन शुड नॉट बी वाइड स्पेस एंड कैन बी कॉजेज अ प्रॉब्लम विद एनडीके टूल्स। ये एनडीके भी एक कंसेप्ट होता है, जैसे एसडीके होता है एसडीके एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जावा की कोडिंग के लिए होता है। अगर आप जावा डेवलपर हो, कोटलिन डेवलपर हो तो आप एसडीके यूज करिए, बट अगर आप C++ से एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनडीके सॉफ्टवेयर को कन्फिगर करना पड़ता है। तो यहां पे हम केवल एसडीके की बात करेंगे, एनडीके की बात नहीं। इसके अलावा देखिए एसडीके अगर आपके पास सिस्टम में है, एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी है तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने टाइम की अगर बात करूं तो मैंने एंड्रॉइड पे उस टाइम से काम करना शुरू किया है जब एंड्रॉइड स्टार्टिंग में आया था। उस टाइम पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को पहले मैं दूसरे आईडी जैसे इक्लिप्स, नेटबीन्स, इन पे काम करा है। तो इक्लिप्स या नेटबीन्स के अंदर कैसे काम होता था, फिर हमें एसडीके अलग से डाउनलोड करना पड़ता था और अपने इक्लिप्स या नेटबीन्स के अंदर उसे प्लग करना पड़ता था। इक्लिप्स या नेटबीन्स को अगर इक्लिप्स या नेटबीन्स के साथ एसडीके को प्लग करने के लिए अपने इक्लिप्स में एक टूल, एक प्लगइन ऐड करना पड़ता था जिसको बोलते थे एडीटी प्लगइन। तो एडीटी प्लगइन जिसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल बोलते हैं, एसडीके को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एडीटी प्लगइन लाना पड़ता था और इस एडीटी प्लगइन को इक्लिप्स के साथ, अभी भी अगर आप इक्लिप्स में डेवलपमेंट करना चाहते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप इक्लिप्स में जाइए, बट अगर इक्लिप्स के थ्रू करना चाहते हो तो आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल करके एक प्लगइन आती है, वो प्लगइन आपको इक्लिप्स के अंदर जब ऐड कर देते थे तो फिर वो इस कैपेबल हो जाता था कि अपने अंदर वो एसडीके को ब्राउज कर सके। आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में एडीटी प्लगइन ऑलरेडी होती है,
अगर ये प्लगइन होती नहीं तो एसडीके को ब्राउज नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए अगर मैं इक्लिप्स की बात करूं, एंड स्टूडियो की बात करूं, तो ये सब एक आईडी है। इन आईडीज में कुछ ना कुछ प्लगइन्स होती हैं, जिस उन प्लगइन्स के थ्रू ये किसी सॉफ्टवेयर को ब्राउज करता है, तो वो प्लगइन एडीटी प्लगइन होती है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज एवीडी, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ये क्या होता है? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, एप्लीकेशन यहां से बिल्ड हो चुका है, बट क्वेश्चन ये है एप्लीकेशन रन कैसे हो। एप्लीकेशन को रन करने के लिए किसी न किसी एक्चुअल या वर्चुअल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। एंड्रॉयड कहता है कि आपको आपको यहां से वर्चुअल डिवाइस खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। देखिए यहां पे जैसे आप प्ले वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करते ही यहां पे देखिए यहां पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट टारगेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट? द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन ऑन अ डिवाइस। किसी एप्लीकेशन को किसी डिवाइस में जब हम रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट के लिए ये कह रहा है कि नो यूएसबी डिवाइसेज और रनिंग इमुलेटर डिटेक्टेड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमुलेटर? इमुलेटर इज नथिंग बट अ वर्चुअल डिवाइस, एक ऐसी वर्चुअल डिवाइस जिस पे एप्लीकेशन रन होगी। तो यहां से हम चाहें, देखिए यहां पे एक आ रहा है ऑप्शन क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस, आप यहीं से आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लो और एप्लीकेशन को चला लो। अगर आपके पास वर्चुअल डिवाइस नहीं है तो आपकी जो एक्चुअल डिवाइस है उसको आप यूएसबी वायर से कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप यूएसबी वायर से नहीं कनेक्ट करेंगे तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए, वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, ऑप्शंस हैं। और किसी तरह से भी आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए एक डिबगर ब्रिज की जरूरत पड़ती है, और उस ब्रिज को बोलते हैं हम एडीबी, एडीबी, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज। ये जो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज होता है ये क्या करता है? ये एक काइंड ऑफ ब्रिज होता है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी भी एंड्रॉयड की डिवाइस और एंड्रॉयड के स्टूडियो या जो रन टाइम एनवायरमेंट जो भी है, चाहे वो इक्लिप्स ही क्यों ना हो, उनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज, एडीबी। एडीबी जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपके सिस्टम में नहीं होता, ये सिस्टम, हाँ ये पर्टिकुलर एडीबी जो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज है, ये तभी एक्टिव होता है, तभी काम करता है जब आपके फोन का जो ड्राइवर है, जैसे मेरे मेरे पास अभी मेरे पास एक फोन है, और उस फोन को मैंने यूएसबी वायर से यहाँ कनेक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो मेरा डिवाइस यहाँ पे डिबग नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज तभी चलेगा जब हमारी उस पर्टिकुलर डिवाइस की एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो डिवाइस होती है वो डिवाइस का ड्राइवर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अपने फोन में रन करना चाहते हैं तो आपके फोन का जो ड्राइवर है वो आपके इस पर्टिकुलर मशीन में जिस पे आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो अभी, उसमें इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। अगर फोन का ड्राइवर यहाँ इंस्टॉल्ड होगा तो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज एक्टिव होगा और एप्लीकेशन को रन करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे ये जो क्रिएट न्यू इमुलेटर करके ऑप्शन आ रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पे मैं एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज का यूज करते हुए, अच्छा एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज को एक्टिव कराने का एक माध्यम यूएसबी डिबगिंग होती है, यूएसबी डिबगिंग, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, आप अपना वाईफाई से कर सकते हो, आप अपनी आईपी, अपने फोन की आईपी सीएमडी से कॉन्फिगर करके बिना यूएसबी वायर से एप्लीकेशन को भी चला सकते हो। आप अपने लैपटॉप में एप्लीकेशन चलाओगे, आपके फोन की आईपी से वो डिबगिंग ब्रिज एक्टिव हो जाएगा, एप्लीकेशन फोन में रन हो जाएगा, ये ऑप्शन है। उस केस में आपको यूएसबी वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, लेकिन उस केस उसके लिए ऑप्शंस क्या है? उसके लिए ऑप्शन यह है कि आपके फोन की जो आईपी है वो एडीबी के थ्रू, एडीबी को स्टार्ट करना पड़ेगा और आईपी उसे देना होगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी यहां पे मेरा यूएसबी वायर लगा हुआ है लेकिन फिर भी यहां पे ये नहीं दिखा रहा है और आपके डिवाइस में ये ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है। देखिए कई बार ऐसा दिक्कत होता है कि अगर मेरा कोई भी फोन है उसका ड्राइवर मुझे सर्च करना हो, उसका ओटी जिसे हम ओटीएम ड्राइवर बोलते हैं, ओटीएम अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो उस पर्टिकुलर ओटीएम को इंस्टॉल करने के लिए मुझे उसकी ऑफिशियल साइट पे जानी पड़ेगी, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर एडीबी एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका यूएसबी वायर डिटेक्ट हो और उससे काम हो जाए, तो एक ऑप्शन है कि आप गूगल पे जाइए और यहां पे टाइप करिए
एडीबी और ड्राइवर, एडीबी ड्राइवर, एडीबी ड्राइवर डाउनलोड करेंगे तो यहां पे देखिए ये सबसे टॉप पे आ रहा है adbdriver.com। इस साइट पे आप जाएंगे और इस साइट पे जाने के बाद यहां से एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जिसका नाम है एडीबी ड्राइवर इंस्टॉलर। कोई भी फोन हो, कोई भी डिवाइस हो, किसी भी डिवाइस के लिए ये अपने आप आपके फोन के अंदर का जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर आपके पीसी में, आपके मशीन में इंस्टॉल कर देगा। देखिए ये इंस्टॉल्ड हो रहा है अभी, 18 मिनट यहाँ पे लेफ्ट दिखा रहा है, 5 मिनट, अब ये देखिए टाइम घट रहा है। ये सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल हो रहा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में कुछ और भी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनका यूज होता है, जैसे ग्रेडल, ग्रेडल, मैवन। फिलहाल मैवन बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर ग्रेडल ही यूज होता है। और अगर आप यहाँ टूल्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शंस और मिलेंगे एंड्रॉयड से रिलेटेड, जैसे देखिए एवीडी मैनेजर, एसडीके मैनेजर। आपको मैंने एसडीके मैनेजर तो बताया, एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर, एडीएम। सो कंसेप्ट बहुत सारे हैं। एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर से आपकी जो भी रनिंग डिवाइस चल रही है, चाहे वो एक्चुअल है चाहे वो वर्चुअल है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। एवीडी मैनेजर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करने का मैनेजर यहाँ पे है। मतलब अगर आप यहां से इस पे क्लिक करके आप देखेंगे एक सामने आपके विंडो ओपन होगा जहां से आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, फोन के लिए, पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए, जिसके लिए क्रिएट करना चाहते हैं यहां से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं क्रिएट कर रहा है तो यही सेम ऑप्शन यहां से भी आता है। जब आप इसे रन करेंगे तो रन के टाइम पे देखिए क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस आएगा और सेम वही विंडो आपको यहां पे भी दिखा देगा और यहां से भी आप अपना एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहां पे वर्चुअल डिवाइस, अब ये डायरेक्ट ये ऑप्शन दिखा रहा है, बट एंड्रॉयड डिवाइस मॉनिटर में, सॉरी मैनेजर के अंदर जब आप वहां से ट्रेवर्स होके जाएंगे तो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अभी इसको मैं क्लोज करता हूं। इसके अलावा भी देखिए जरा और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे एंड्रॉयड के साथ यहाँ कोटलिन का सपोर्ट है। एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0.1 में अभी ये नया कंसेप्ट है कि आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जो जो कि जावा में करी गई है, देखिए यहाँ पे कोडिंग सारी जावा में करी गई है, इसको आप कोटलिन में कन्वर्ट कर सकते हो और कोटलिन वाली कोडिंग जावा में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल हमें भी कोटलिन की बात नहीं करेंगे, जावा की बात करेंगे, हमारा फर्स्ट चॉइस अभी भी जावा है इसके अंदर। तो ये इन द मीन वाइल जब तक ये इंस्टॉल्ड हो रहा था, एक चीज और आपको क्रिएट बता दूं कि जब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी एप्लीकेशन में, यहाँ पे ये एक जावा फाइल ओपन होके आती है, साथ में एक्सएमएल फाइल ओपन होके आती है। एक्सएमएल में आपको जितना यूजर इंटरफेस का कोडिंग करना होता है सब यहाँ लिखते हैं, यूआई डिजाइनिंग करते हैं, और इस जावा के अंदर हम पूरा बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरा एक इसका डायरेक्टिव स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा होगा, इस पूरे डायरेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन को कैसे कैसे क्रिएट करते हैं जानना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा ये एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल्ड हो गया है, इसको इस फोल्डर में जाके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जहां पे है यहीं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और आप अपना फोन अपने यूएसबी वायर से कनेक्ट कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यह है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी रखनी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर रखते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके फोन, ये देखिए एडीबी ड्राइवर इंस्टॉलर, ये सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक कर देना है। ये सॉफ्टवेयर पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पे अभी स्टेटस, यहाँ पे ड्राइवर डिवाइस मैनेजर में यहाँ कुछ भी नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश कर दीजिए। और चलिए इंस्टॉल्ड पे एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी डिवाइस इसे नहीं मिल रही है। अब देखिए डिवाइस नहीं मिल रही है, फिर क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे अपना फोन विजिबल कराना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरा फोन आपके सामने दिखेगा कैसे, इसके लिए मैं एक और सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे आपको मेरा फोन अभी दिखने वाला है। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपका फोन आपकी इस स्क्रीन पे दिखे, क्योंकि ये तो मेरे पास है अभी, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, वाइजर करके सॉफ्टवेयर आता है, वो एक प्लगइन होती है, आपको डालना पड़ेगा, VYSOR करके एक प्लगइन होती है, वाइजर करके एक प्लगइन होती है, वाइजर प्लगइन आप लिखोगे तो ये प्लगइन बेसिकली आपकी क्रोम में एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा और इसके थ्रू आपका जो फोन है आपके पर्टिकुलर पीसी में विजिबल हो जाएगी। तो देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं यहाँ पे, यहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड टू क्रोम,
यहां से क्लिक कर लेते हैं। आपको यूएसबी वायर कनेक्ट करके रखना है और साथ में यहां पे देखिए ऐड अप ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, इस तरह से जब आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे थे और आप चाहते थे वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में रन होके आए, तो जब आप अपने वाइजर प्लगइन को अपने ब्राउजर के अंदर जैसे ही आप उसे प्लग कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो यहाँ पे लॉन्च ऐप का यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा। जैसे लॉन्च ऐप आप करोगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर ऑलरेडी, आप अपना फोन यूएसबी वायर से कनेक्ट करके रखेंगे, आपके फोन के अंदर एक ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आ जाएगी और लॉन्च करने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नो डिवाइस फाउंड, क्योंकि मेरा डिवाइस यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से अपने फोन में जाके डेवलपर ऑप्शन जैसे इनेबल करूंगा, जैसे मैं यहाँ से डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करूंगा तो आपको यहाँ पे मेरा फोन दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ डेवलपर ऑप्शन ऑन करता हूँ तो यहाँ से अब हमारा फोन का जो कह सकते हो कि हमारा फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है और ये चीज अब अगेन दिख जाएगी। अब मैं इसको दोबारा लॉन्च करता हूँ। देखिए लॉन्च ऐप जैसे मैं करूंगा यहाँ पे, और या तो मैं एक बार यूएसबी वायर यहाँ से अपने अपने फोन से यूएसबी वायर हटाता हूँ और दोबारा यहाँ पे प्लग करूंगा। दोबारा प्लग करने के बाद अब यहाँ से अब होगा क्या कि अब हमारे फोन के लिए डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रोसेसिंग होगी। देखिए ये मेरा डिवाइस दिखा रहा है कि ये अब मेरा डिवाइस का जो सॉरी मेरे फोन का जो ड्राइवर है वो मेरे सिस्टम के अंदर जाके अब इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इसे देख भी सकते हैं। आप इसे रिफ्रेश करिए, यहाँ से जो हमारा एपीके इंस्टॉलर जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया था इसे रिफ्रेश करिए। ये अभी देखिए दोबारा काम नहीं कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये जो ऑप्शन है देखते हूँ, यहाँ पे दोबारा मैं इसे दोबारा इस अपने वायर को लगाऊंगा और यहाँ से इसे रिफ्रेश। गाइस डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद सेटिंग के अंदर यूएसबी डिबगिंग का एक ऑप्शन आता है। जैसे मैं यूएसबी डिबगिंग पे ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा मेरे फोन का ये जो नाम है ये आ गया, और यहाँ पे लिखा आ गया कि डिवाइस ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपके फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल है और आपने उसका यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दिया तो आपके फोन का ड्राइवर आपके पीसी में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, और नहीं भी इंस्टॉल हो रहा है तो यहां से आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा इंस्टॉल कराने में। फिलहाल इसे मैं यहां से क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद ये देखिए मेरा डिवाइस यहाँ पे आप दिखने लगा जिसमें यूएसबी डिबगिंग मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसे व्यू व्यू करना पड़ेगा आपको, लेकिन व्यू मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और मेरा डिवाइस और इसको भी यहाँ से हमें मिनिमाइज कर देने की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बैक करके अपनी फोन, ये मेरा फोन है, मैं इसे बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा फोन है और ये मेरा फोन आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया वाइजर। तो वाइजर्स करके जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हमें ये हेल्प करता है कि आपका सॉरी मेरा जो फोन है वो आपको आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, वो इस एप्लीकेशन की वजह से वाइजर करके जो प्लगइन आती है उस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल करने का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर दे दूंगा। वहां से जाके उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने ब्राउजर में प्लगइन डाल सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करिएगा, देखिए मैं आपको स्टेप यहां से बता देता हूं। आपको यहां सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन हर जगह वेरी करता रहता है, आपके फोन में जहां पे भी सेटिंग ऑप्शन होगा वहां जाइएगा, मेरे फोन में यहां पे है। और हमेशा अपने आपको अपने फोन के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर। अबाउट फोन का ऑप्शन हर डिवाइस में होता है, हर डिवाइस के अंदर अबाउट फोन ऑप्शन में जाने के बाद आप यहां से डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाके अपने फोन के अंदर ये देखिए बिल्ड नंबर करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। बिल्ड नंबर पे आपको 7 या 8 टाइम यहाँ पे टैप प्रेस करना होगा। जैसे मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ देखिए ये लिखा है यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, मतलब मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है। और अगर आपके फोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है, जैसे टैप प्रेस कर करके देखिए, अगर आपके पास MI फोन है तो यहाँ पे MI UI वर्जन करके आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो इनेबल हो जाएगा। और यहाँ से आप बैक कर लीजिए, बैक करके आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस डेवलपर ऑप्शन पे जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा था, ये यूएसबी डिबगिंग। मैंने डेवलपर ऑप्शन तो ऑन कर दिया था बट यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं करा था, इसलिए मेरा फोन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब देखिए जैसे अब मैंने यूएसबी डिबगिंग कर दिया,
कई ऐसे सिस्टम में जैसे यूएसबी डिबगिंग आपने कर भी दिया है तो ये नहीं चलता है, तो ये देखिए इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड एप्स ओवर यूएसबी, इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। मेरे केस में इसकी जरूरत नहीं है तो इसे मैं रहने देता हूं। इसको करने के बाद होगा क्या कि आपका जो डिवाइस है देखिए यहां पे दिख रहा है, तो अगर आपकी डिवाइस यहां पे सबसे टॉप पे दिख रही है बस आपको यहां से ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने ओके किया, ओके करते ही यहां पे अब हमारी एप्लीकेशन हमारे डिवाइस फोन में रन होने के लिए रेडी हो चुका है। और जैसे आपको यहां पे अपना वायर ध्यान देना होगा, वायर आप अगर आपका वायर का थोड़ा सा भी अगर इसे इधर उधर हिल जाता है तो आपकी एप्लीकेशन आपके फोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नहीं हो पाता। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका यूएसबी वायर प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए, और अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड होगा तो आपकी एप्लीकेशन में आपकी सॉरी आपका एप्लीकेशन आपके फोन में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको वाइजर करके प्लगइन बताया है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि इसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे देखिए एक आइकन आ रहा है, क्योंकि इसी की एक ऐप हमारे फोन में भी इंस्टॉल हो जाती है और वो हमें ये स्क्रीन को हमारे हमारे सामने लाने में हेल्प करती है। तो देखिए ये इस तरह से आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, और इस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन तो एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी आता है, बट आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख पा रहे हो क्योंकि ये वाइजर करके जो प्लगइन है वो मैंने अपने फोन में उसका एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है और उसका जो प्लगइन है अपने ब्राउजर में डाला था, जिससे उसने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, वो ऐप के लॉन्च होते ही ये हमारे सामने स्क्रीन आ रही है। ये चीज ध्यान रहे कि जब एप्लीकेशन आप रियल डिवाइस में चला रहे हो तो हमेशा और हमेशा आपकी रियल डिवाइस का जो भी डिवाइस है उस डिवाइस का ड्राइवर, मेरे बार कई ऐसा फोन आया है जिसमें लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर मेरी एप्लीकेशन मैं रियल डिवाइस पे चलाना चाहता हूँ, मेरी एप्लीकेशन रियल डिवाइस पे डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो देखिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एप्लीकेशन आपके अपने फोन का ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड करना होगा। अगर नहीं है तो आप एडीबी इंस्टॉलर के थ्रू उसको किसी भी तरह से इंस्टॉल करिए, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करिए, यूएसबी डिबगिंग ऑन करिए और अपने वायर के थ्रू इसे कनेक्ट करके इसे रन कर लीजिए। बट अगर आप ये चाहते हैं वायर के थ्रू रन नहीं करना तो आप आईपी से भी इसे कन्फिगर, एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप कन्फिगर करके इसे चला सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आपको